सो हेलो नमस्ते कार्लोस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशिमा, आप देख रहे हैं द लाइफ आशिमा। आज का व्लॉग हम अर्ली मॉर्निंग शुरू कर रहे हैं। टाइम हुआ है, इट्स 7:46। एक्चुअली आई एम लिटल लेट, मेरी यूथ पार्लियामेंट की प्रैक्टिस होती है। जिन्हें नहीं पता यूथ पार्लियामेंट क्या है, बेसिकली एक डिपिक्शन होती है। डिपिक्शन किस चीज़ की होती है? ये डिपिक्शन होती है लोकसभा की, और उसमें मेरा रोल है स्पीकर का, जो कि मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो 7:40 का रोज़ रिपोर्टिंग टाइम होता है, रोज़ मैं टाइम पे होती हूँ। आज ही मुझे लेट होना था, तो अकेले मैं ही लेट नहीं हूँ। आज पता नहीं कैसे हवा का रुख बदला कि सारे लेट हो गए। इसके बाद हमारा एक इवेंट भी है जो इंग्लिश डिपार्टमेंट वाले कंडक्ट करा रहे हैं, सो तुम्हारी बहन उसमें एंकरिंग कर रही है। सो जैसे ही ये इवेंट ख़त्म होता है, इसी हॉल में होने वाला है हमारा नेक्स्ट इवेंट, ठीक है? सो इसको ये ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट इवेंट में मिलते हैं आपसे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सो इट इज़ 10 o'clock। मैं प्रॉपरली फ्री हूँ अपनी यूथ पार्लियामेंट की प्रैक्टिस से, और ये कुछ क्यू कार्ड्स हैं जिसके ऊपर मैंने लिखे हुए टंग ट्विस्टर्स। और भी हमारे पास क्यू कार्ड्स हैं जिसमें हम आज न्यू सेगमेंट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी ऑडियंस के लिए। सो विद इन एन आवर और सो हमारा फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। कानों में खनकती है खूबसूरत बालियां, कानों में खनकती है खूबसूरत बालियां, और केमिस्ट्री सेमिनार हॉल में जानता पाती है जब बजती है जोरदार तालियां, जब बजती है A gentle judge judges justly. What do we call a person who knows a lot about food and cooking? No, it's not chef, not master chef as well. Foodie? No, it's not foodie. बहुत खूबसूरत हो तुम फूलों की तरह, बहुत खूबसूरत हो तुम फूलों की तरह, खुद को दुनिया की नजर से बचा के रखो, खुद को दुनिया की नजर से बचा के रखो। सिर्फ आंखों में काजल ही काफी नहीं, सिर्फ आंखों में काजल ही काफी नहीं, गले में नींबू मिर्ची भी लटका के रखो।
ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਨ ਵੀ ਕਾਲੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਲਾ ਲਈਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜਦ ਘੁੰਮਿਆ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਰੂਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਹੈ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮੂਹ ਹੈ ਕਿਆ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਖੂਹ ਹੈ ਸੂਹ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸ਼ਕ ਨੂੰ ਫਰਕ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜੇ ਝੋਲੀ ਪਾਲੇ ਚੁਟਕੀ ਖੈਰਾਂ ਦੀ Very well done.